हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो सवाल है उसके अंदर तीन आइसोमर दिए हैं और पूछा है कि ये तीनों जो है आइसोमर उनके बीच में अलग अलग रिलेशंस के ऑप्शंस दिए हैं, हमें चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बी एंड सी आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने के लिए ये दो काइरल सेंटर में ऊपर हाफ और नीचे का हाफ दोनों सेम होने चाहिए दोनों कंपाउंड के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखो तो एक ग्रुप अपनी जगह पे है लेकिन दो ग्रुप ने अपनी जगह बदल दी है। ठीक है, एच और बी आर अपोजिट साइड पे है और जब दो ग्रुप स्वैप होता है तो आपको बता दूँ मैं कि वो मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऊपर का पार्ट तो सेम नहीं है तो नीचे का पार्ट आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अगर डिफरेंट है तो नीचे वाला अगर डिफरेंट हो या सेम हो वो आइडेंटिकल तो नहीं होने वाला है। सो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अभी बी ऑप्शन देखते हैं। ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स तब होता है जब आधा पार्ट सेम हो और आधा पार्ट जो है वो मिरर इमेज हो। लेट अस सी, बी ऑप्शन है ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर। सो अगर हम देखें तो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको बताया अभी बताया कि ये मिरर इमेज है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट अगर आप देखो तो तीनों ग्रुप अपनी जगह पे है। सो जब तीन ग्रुप अपनी जगह पे होते हैं तो वो आइडेंटिकल हो गया, समझ में आ गया। तो ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज और नीचे वाला पार्ट आइडेंटिकल, दैट मीन्स कि ये दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा डायस्टीरियोमर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ठीक है, चलो अगला सवाल जो है उसके अंदर दो फिशर प्रोजेक्शन में आइसोमर दिए हैं और रिलेशन पूछा है। राइट, दो तरीके हैं, या तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन करो नंबर दे के, या तो फिर ये कंपाउंड में डायरेक्ट स्वैपिंग वाली मेथड का यूज़ करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दोनों अलग अलग प्रोजेक्शन में दिए हैं। यहाँ पर सिरेबोलाइच ऊपर है जबकि यहाँ पर सिरेबोलाइच नीचे है, देखो आप। ठीक है, तो मैं इसको ये कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए 180 का रोटेशन देता हूँ। ठीक है, सो 180 का रोटेशन जब मैं देता हूँ तो सिरेबोलाइच ऊपर जाएगा, उसके साथ के ग्रुप लेफ्ट राइट हो जाएंगे, तो कंपाउंड अल्टीमेटली कन्वर्ट ऐसे हो जाएगा, COOME ऊपर चला जाएगा। ठीक है, OHH ये ऐसे हो जाएंगे, वो सिरेबोलाइच नीचे, उसके साथ भी एक ग्रुप भी स्वैप करेंगे। राइट, अब देखो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये और ये आइडेंटिकल लग रहा है, दोनों दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट भी सेम और नीचे वाला पार्ट भी सेम। सो आंसर क्या होगा? ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है? कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है? ऑप्टिकल इनएक्टिव तब होता है जब या तो काइरल सेंटर ना हो या तो फिर काइरल सेंटर हो लेकिन ड्यू टू सम टाइप ऑफ सिमेट्री वो जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सो तीनों में काइरल सेंटर तो है, आप देख सकते हो, लेकिन ये जो हमारा तीसरा कंपाउंड है सी ऑप्शन, ये आइसोमर के अंदर आप देखो तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है वो आइडेंटिकल है। दैट मीन्स कि मैं बोलूँगा कि ये कंपाउंड जो है वो मीजो कंपाउंड है, और आप सबको पता होना चाहिए कि मीजो के अंदर इंटरनल कॉम्पेंसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, ये कौन सी सिमेट्री बोलते हैं इसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो कंपाउंड सी इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ओके, अगला जो सवाल है उसमें ये दो स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन पूछा है लेकिन दोनों में प्रोजेक्शंस में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको यहाँ मिथाइल ऊपर है यहाँ मिथाइल नीचे है, CH2OH भी ऊपर नीचे है, तो मैं पहले किसी एक को 180 का रोटेशन देता हूँ इसको। तो जैसे अभी हमने आगे किया, ये मिथाइल आ जाएगा नीचे, उसके साथ के OHH बदल जाएंगे, मिथाइल के साथ का HOH ये रहा जिसको हम बदल देते हैं, ये OH और ये H, और ये रहा हमारा CH2OH
जिसके साथ का OH लेफ्ट है हो जाएगा राइट ओके और H यहाँ पर आ जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं ये दो को, तो देखो ऊपर वाला हाफ सेम और नीचे वाला हाफ भी सेम, अगर दोनों सेम है तो कंपाउंड हो जाएगा हमारा क्या आइडेंटिकल, सेम मॉलिक्यूल है, सो आंसर आएगा सी। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, सिंपल है, हम इसको RS कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे ठीक है। सो ये फर्स्ट कार्बन, कार्बन को नंबरिंग दे देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ राइट। चलो सो फर्स्ट कार्बन अगर हम देखें तो OH यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी, ये दूसरा और ये मिथाइल होगा तीसरा, और ये मूवमेंट कर रहा है क्लॉकवाइज पैटर्न में, तो सेकंड कार्बन होना चाहिए R, लेकिन H हॉरिजॉन्टल पे है मतलब बदल के S ठीक है। चलो 2S हो गया। अभी ये वाला कार्बन थर्ड नंबर का, जिसमें अगर आप देखो तो OH की प्रायोरिटी ज़्यादा, फिर ये वाला ग्रुप और मिथाइल होगा थर्ड पे, सो पैटर्न हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, H हॉरिजॉन, एच वर्टिकल पे है मतलब S का S रहेगा 2s 3s ठीक है। आंसर है 2s 3s, यहाँ पर गलती से 1s 2s निकाला। क्लियर एवरीवन? ओके।